वेंकीज देखिए, बिल्कुल और थोड़ा लॉन्ग टर्म देखिएगा, दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरीके से बता दीजिएगा अच्छा, दोनों दोनों टाइम फ्रेम बता दें। ठीक जी। है, 1 मिनट, चार्ट लोड हो रहा है। देखिए, वेंकीज ने एक अपना डेली चार्ट में एक बहुत वाइटल सपोर्ट जोन से इसने बाउंस दिया है, जो कि इसका 1810 के करीब में था। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 1800 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। बाउंस बैक में आप 1927 और 1927 के ऊपर जाता है तो 1927 पे ही अटकेगा। अगर 1927 को अगर ये क्रॉस करता है तब ये 1990 रुपये तक जा सकता है। ये शॉर्ट टर्म टारगेट है। ठीक है, और अगर मैं वेंकीज को आपको लॉन्ग टर्म बताऊं तो लॉन्ग टर्म में देखिए बॉटम 1800 का, लॉन्ग टर्म के लिए भी अभी 1800 का ही रहेगा, बट हो सकता है ये रिट्रेस कर जाए। लॉन्ग टर्म चार्ट थोड़ा सा वीकली चार्ट खराब है, तो अगर ये बाउंस बैक मिलता है 1927 और 1990 तक का बाउंस बैक मिलता है तो वहाँ पे एक बार एग्जिट करिए। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाले लोगों के लिए अगर एंट्री का जगह अगर आप बहुत अच्छा खोज रहे हैं तो दैट वुड बी अराउंड 1700। अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहता है तो 1700 के करीब लीजिए, 1700 के करीब 50% लीजिए और 1600 के करीब बाकी 50% लीजिए। दैट विल बी अ गुड प्लेस टू एंटर फॉर लॉन्ग टर्म। वीकली चार्ट खराब है तो ये डेली चार्ट में बाउंस देके वापस गिर जाएगा। ये मतलब ये नहीं है कि वेंकीज बहुत ऊपर तक रैट सस्टेन कर पाएगा। 1927 और 1990 तक जाके ये वहां पे इसका रैली फिजल आउट होगा एक बार। तो जब तक ये लॉन्ग टर्म अगर आपको होल्ड भी करना है तो इसको 2000 के ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है, तब इसका लॉन्ग टर्म व्यू ठीक होगा। अभी नहीं, अभी लॉन्ग टर्म व्यू खराब है, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए सलाह भी नहीं दूंगा। जी, तो ये रहा है वेंकीज पे।